द्वारका ग्रीन उत्सव 2018 का आज शानदार समारोह में हजारों की संख्या में द्वारका वासियों ने भाग लिया और साइकिल चलाकर द्वारका वासियों को ग्रीन द्वारका, क्लीन द्वारका, हेल्थ द्वारका का मैसेज दिया। इस मौके पर द्वारका ए की निगम पार्षद नीतिका शर्मा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। हमने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, द्वारका ए निगम पार्षद नीतिका शर्मा व अन्य लोगों से बात की। ये संदेश है, ये अवेयरनेस जैसे रैली करवाते हैं वैसे अवेयरनेस साइकिल रैली है। ये अवेयरनेस है, ये जो पिछले हफ्ते जो अक्टूबर 2 में ये जो अभियान का चला रहा था, ये जो स्वच्छ भारत अभियान का उसका कंटिन्यूएशन है। ये चीज़ है, ये अवेयरनेस करते रहेंगे। ये जो ऐसे नहीं है, दो अक्टूबर 2 तारीख ख़त्म हो गया अभियान, ये द्वारका सिटी में अवेयरनेस यही है। लेकिन हम क्लीन रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और ये विल मेक इट एज अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल। ऐसे अवेयरनेस करने के लिए बच्चों के साथ हम रैली करवा रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा NGO ये इनिशिएट ले रही है, क्योंकि लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि ग्रीनरी और सफाई कैसे रखी जाए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं इस चीज़ पे, MCD हम लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वाइस वर्सा है ये, तो लोगों में भी यहाँ पे बहुत अवेयर है और साथ में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, इसलिए साइक्लोथोन भी हो जाएगी, पॉल्यूशन के लिए भी, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके लिए हमें साइकिल और इस तरह से दोबारा उस चीज़ पर वापस आना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मनोज गुप्ता जी, जो आज ये द्वारका सेक्टर हो जिसमें द्वारका ग्रीन उत्सव चल रहा है और आदमी यहाँ पे आए हुए और मैं देख रहा पीछे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ अपनी ओर से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा कदम है। द्वारका ग्रीन उत्सव का आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया 2018। ये प्रोग्राम ऐसे हम लोगों को एक मैसेज देते हैं कि भी द्वारका में या पूरे समाज के अंदर साइकिल के द्वारा आप चलें, पैदल चलें, गाड़ियों का थोड़ा सा कहना में आप अवॉइड करें, उससे क्या है कि आपकी सेहत भी बनी रहेगी और वातावरण भी हमारा जो दूषित हो रखा है वो भी कहना में साफ स्वच्छ रहेगा। इस मैसेज के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे काफ़ी बच्चे भी हैं और द्वारका से भिन्न भिन्न पॉकेट से थपलियाल जी जैसे आए हुए हैं, काफ़ी जगह से यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर आए हुए हैं और मैसेज सिर्फ ये देना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपना जो वातावरण इस तरह दूषित हो चुका है वो अच्छा रहे, इस मैसेज के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। की बात है कि द्वारका में आज यह रेस आयोजित की गई है सनी साइकिल के द्वारा, इसमें साइकिल रेस भी है, वॉकाथॉन भी है। यह आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली क्षेत्र में प्रदूषण बहुत काफ़ी बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में और प्रदूषण बढ़ेगा, तो हम कम से कम अपनी व्हीकल का इस्तेमाल करें और साइकिल का इस्तेमाल करें और जितना हो सके हम पैदल भी चलें, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित रहेगा, हम सुखी भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा पहले मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग बच्चों से सीखें कैसे बच्चे इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये रेस तो नहीं है लेकिन साइक्लोथन है और वाकाथन दोनों है। इसमें हम लोग सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हम लोग अपनी जो बाइक है और कारें हैं ये सबसे हम लोग बचें। ठीक है, मैं भी गाड़ी रखा हूँ लेकिन मैं भी प्रीफर करता हूँ वॉकिंग करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ूँ। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा सबसे अच्छी बात है कि यदि एक बंदा भी यदि गाड़ी त्यागता है तो सबसे ज़्यादा वो इमिशन को बंद करता है, तो जितना भी कार्बन इमिशन बंद होगा। और सेकेंड प्लस पॉइंट है, यदि हम लोग इस तरह के रेस में यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा फिजिकली हम लोग। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली।